ये देखिए से दियर इट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसके वैल्यूज कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट होगा मतलब इंडिपेंडेंट और ए एंड बी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है ए है बी है और एक सी है, तो मोस्ट प्रोबेबली सी के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। ओके, जब जिसका अंदर ए बी कोई नहीं होगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप करना, पहले एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, अभी टू एक्स माइनस ए बी टी वाई बाई डी एस करेंगे तो वन हो जाएगा, प्लस टू वाई माइनस बी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा और ये वाला कितना होगा जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो। तो अभी टू तो दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स जीरो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन माइनस। ओके, ये वाला पैटर्न हुई। नेक्स्ट है यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स का चाहिए, ओके, जो स्क्वायर वगैरह करेंगे तो इस टाइम वही रख देंगे, फिर जो है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कितना है एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, ये वाला पार्ट भी, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर y माइनस बी डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स y माइनस बी। ओके, बिकॉज हर चीज को एक फॉर्म में रखना, बार बार माइनस प्लस को नहीं, सबको एक फॉर्म में रखना, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, नहीं तो माइनस प्लस गलती हो जाती, तो माइनस वन अभी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो वाई माइनस बी ये तो वन हो गया, माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का माइनस का सब्सटीट्यूट कर दो, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग ये था एक फिर माइनस वाला आएगा तो अभी प्लस हो जाए, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, तो माइनस y माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो है ना x माइनस एक होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो होगा इसके साथ इंटू का एक स्टेप मान लो काउंट कर देता हूं, ये नीचे आएगा तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और ये जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का। तो अभी देख इसमें जैसी होगा ना थोड़ा सा जो तुम लोग कॉपी में कर रहे हो वो लेंदी लेंदी हो जाती है, थोड़ा सा इतना आने के बाद इसके तरफ देखोगे है ना तो क्या होगा छोटा हो जाएगा, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको तुम इसको तुम क्या करोगे लिख दोगे सी स्क्वायर तो छोटा सा आ जाएगा। तो अभी इसी चीज को हमने लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस और बाहर ही था ये हो जाएंगे सी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। अभी जो हम लोग को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स से सब कुछ है, तो अभी क्या करोगे इसी जगह पे डायरेक्ट मत पुट करना, डायरेक्ट पुट करते तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर बहुत सारी चीज आता है काटते कूटते गलत हो जाता है,
तो अभी आसानी से ऐसा करो, 1 प्लस है तो हमारा इसका वैल्यू आ गया। हम इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होल स्क्वायर। ओके, ऐसे नहीं कि यहां पे पावर लगा दो फिर गलत हो जाता, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग ये बता रहे इसका होल स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को फिर ये आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ए भी क्या होता है सी स्क्वायर होता है अपॉन वन माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें तुम्हारा जो मिस्टेक हो रहा था सारी चीज एक साथ लिए और जो हम लोग को कॉपी का साइज होती है उसके बाहर निकल गई, डिवाइड में उसको रखा फिर आधा खोगी तो लास्ट में आंसर नहीं आ पाया, इसलिए इसको वीडियो को भी बीच बीच में देख ली क्या है तुम्हारा उसमें क्या मिस्टेक हो रहा था, जैसे इतनी बड़े थे टर्म्स है अभी उसको लेके हम इसमें पुट कर दिया, ये ऐसे भी बड़ा है पावर के ऊपर पावर है हमारा आई, उसको आई सेटअप नहीं हो पाता है जैसे वाला हो गया। अभी हम लोग जो इस जगह पे दोबारा लिख देता हूँ उसमें जगह नहीं है। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स हम लोग का सब कुछ आ चुका है, अभी हमने इसी को हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारा था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी हमारा इसके वैल्यू सी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका है और इसके ऊपर हमारा दिया है 3/2 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आया था वो था सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, अभी हम लोग को सब रेडीमेड हो गई, ये जो 2 और 2 के पावर कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद और एक चीज यहाँ पे हम लोग को माइनस की तरफ, हाँ यहाँ पे माइनस। ओके, तो अभी इसके बाद इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो सी क्यूब अपॉन 1 माइनस बी का होल क्यूब माइनस है और इधर पे सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल। ओके, ये तो काट देगा, ये काट दिया तो क्या होगा माइनस सी आ गया, विच इज ए कॉन्स्टेंट, विच इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, देखो जो तुम लोग कर रहे हो वही चीज ही है, ओनली उसको जब भी मतलब देखने के थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, स्टेप में डिवाइड कर देते, ये जब एक बार आ जाएगा फर्स्ट केस में ऐसे, ये जब एग्जाम आएगा तो तुम जैसे कर रहे थे बिकॉज उस टाइम में तुम्हें मालूम है कि मेरे को माइनस सी इसका आंसर आएगा और उसमें तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब करोगे इस तरीके से करोगे तो फर्स्ट टाइम में ऐसा कर लिया तो पता चलेगा ये क्वेश्चन ऐसा करते, उसके बाद केस भी कर लिया। अंडरस्टूड?